अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम प्रोटीन को यू कैन से कंसंट्रेट कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये अगर आपके सैंपल के अंदर कोई अगर प्रोटीन कम है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसको कंसंट्रेट करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मसलन थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन है एक सैंपल के अंदर, उसमें से आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना, ये इम्यूनो प्रेसिपिटेशन है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होता है और एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है वो जो प्रोटीन आपने सेपरेट करनी होती है उस एंटीजन। ठीक है, तो इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रेसिपिटेटिंग ए प्रोटीन एंटीजन आउट ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग एन एंटीबॉडी दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। यानी कि आपने एक पर्टिकुलर, लेट्स सपोज कि आपके पास 1000 प्रोटीन है, उसमें से अल्फा प्रोटीन को सेपरेट करना है, तो उसके अगेंस्ट आप एक एंटीबॉडी यूज करते हैं जो उसके लिए स्पेसिफिक होती है। ठीक है, वो मोनोक्लोनल भी हो सकती है, वो पॉलीक्लोनल भी हो सकती है। दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू एसोलेट, पहला काम है एसोलेशन, दूसरा काम है कंसंट्रेट यानी कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना। कंसंट्रेट ए प्रोटीन फ्रॉम ए सैंपल कंटेनिंग मेनी थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, अम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिक्वायर दैट द एंटीबॉडी मे बी कपल टू ए सोलड सबस्ट्रेट एट सम पॉइंट इन द प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि एक सोलड सपोर्ट होती है, वो एग्रोस की हो सकती है, बीड जिसको कहते हैं, वो कोई मैग्नेटिक हो सकती है, लाइक पैरा मैग्नेटिक माइक्रो बीड्स होती हैं जिसके ऊपर आप न्यूट्रल प्रोटीन लगाते हैं, उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी लगाते हैं जो न्यूट्रल प्रोटीन के ऊपर लग जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर लगता है या तो स्कैंडी एंटीबॉडी या ट्रैक्ट, उसके ऊपर आके आपका एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। अब ये जो एंटीजन सेपरेट हुआ है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन से, इसको आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग से करेक्टराइज कर सकते हैं या इसकी उसका मॉलिकुलर वेट देख सकते हैं या एसडीएस पेज से। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनो प्रेसिपिटेशन क्या है, सबसे पहले है इंडिविजुअल प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। इंडिविजुअल का मतलब होता है केली, यानी कि अगर आप केली प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रोटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक एंटीबॉडी और एक स्पेसिफिक वो प्रोटीन के लिए वो एंटीबॉडी होती है यानी कि एंटीजन के लिए। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एन एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए नॉन प्रोटीन टू एसोलेटेड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन आउट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग मैनी डिफरेंट प्रोटीन। यानी कि आप पर्टिकुलर प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं आपके कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो के प्रोटीन का है। प्रोटीन कम्प्लेक्स इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है कि लेट्स सपोज के तीन प्रोटीन का कम्प्लेक्स है, लाइक आपके पास अल्फा बीटा गैमा है, तीन प्रोटीन है, वो तीनों जुड़ी हुई हैं आपस में थ्रू बॉन्डिंग। ठीक है, अब आप जो एंटीबॉडी यूज करते हैं वो इन तीनों में से किसी एक के साथ बाइंड करनी चाहिए, जब अगर एक के साथ बाइंड कर दी तो वो पूरा कम्प्लेक्स ही जो है वो प्रेसिपिटेट कर देगा, तो इसको कहते हैं हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अमीनो प्रेसिपिटेशन। एक तो ये है, दूसरा एक और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं जो बाइंडिंग एफिनिटी देखती है कि अल्फा की बीटा के साथ ज्यादा है या बीटा की अल्फा की गैमा के साथ ज्यादा है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप आपके पास तीनों प्रोटीन है अल्फा बीटा और गैमा, उसमें से पहले आप अल्फा को एंटीबॉडी के ऊपर लगाते हैं, फिर आप बीटा डालते हैं, तो बीटा अगर अल्फा के ऊपर लग जाती है इसका मतलब है बीटा की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो अल्फा के साथ ज्यादा है। अब गैमा डालते हैं और अल्फा डालते हैं, अल्फा तो जुड़ी हुई है एंटीबॉडी के साथ, तो अगर आप अल्फा डालते हैं अल्फा के अंदर गैमा डालते हैं तो गैमा बाइंड नहीं करती, इसका मतलब है अल्फा की बीटा के साथ तो एफिनिटी है यानी कि उसकी कंप्लेबिलिटी है। ठीक है, उसकी इंट्रैक्शन है लेकिन वो गैमा के साथ नहीं है।
अब अगर आपके पास अल्फा बीटा आपस में जुड़ी हुई है और ऊपर से आप गैमा डालते हैं, गैमा जो है वो बीटा के ऊपर जाकर लग जाती है। इसका मतलब है गैमा की बीटा के साथ भी इंट्रैक्शन है और बीटा की अल्फा के साथ इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो बीटा जो है दरमियान में है, बीटा की अल्फा के साथ भी इंट्रैक्शन है और बीटा की इसके साथ गैमा के साथ भी इंट्रैक्शन। तो प्रोटीन इंट्रैक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए हम ये प्रोटीन म्यूनो प्रेसिपिटेशन है यूज करते हैं। तो पहली आपकी टाइप होगी इंडिविजुअल म्यूनो प्रेसिपिटेशन, दूसरी टाइप होगी आपके पास को प्रेसिपिटेशन, और तीसरी है आपकी क्रोमेटिन अम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि प्रोटीन जो है उसकी डीएनए के ऊपर बाइंडिंग साइट है, देखते हैं कि कहाँ पे ये बाउंड होती है जाके, उसको देखने के लिए हम क्रोमैटिन अम्यूनो प्रेसिपिटेशन करते हैं। क्रोमैटिन अम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज ए मेथड यूज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ डीएनए बाइंडिंग साइट ऑन द जीनोम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, के जो आपकी प्रोटीन है वो जीनोम के ऊपर कहाँ पे जाकर लगती है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। दिस टेक्निक गिव्स ए पिक्चर ऑफ द प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन दैट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स आर डी। यह इंटरेक्शन को बताती है कि प्रोटीन की डीएनए के साथ कहाँ कहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही है। आगे है आरएनपी अमीनो प्रेसिपिटेशन टारगेट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको सबसे पहले लाइज करते हैं, उसको तोड़ते हैं, देन द टारगेट प्रोटीन एंड एसोसिएटेड आरएनए आर अमीनो प्रेसिपिटेटेड यूजिंग एन एंटीबॉडी टारगेटिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो आपकी प्रोटीन है वो आरएनए के ऊपर लगी हुई है और आरएनए जो है वो एंटीबॉडी के ऊपर लग जाता है और जहाँ पे वो आरएनए के साथ लगा है वो प्रेसिपिटेट कर। तो इसकी अगर मेथड ऑफ इम्यूनो प्रेसिपिटेशन को देखें तो दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप क्या करते हैं, एंटीबॉडी दैट आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन आर इमोबिलाइज ऑन सोलिड फेज सबस्ट्रेट। वो सोलिड फेज सबस्ट्रेट वो सुपर मैग्नेटिक माइक्रोबीड की हो सकती है या वो एगरोस माइक्रोस्कोपिक बीड हो सकती है। तो ये बीड के ऊपर आप एंटी पहले न्यूट्रल प्रोटीन लगाते हैं, न्यूट्रल प्रोटीन के ऊपर आप एंटीबॉडी लगा देते हैं। द बीड विद बाउंड एंटीबॉडी आर देन एडेड टू द प्रोटीन मिक्सचर, जिसमें आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है वो क्या करती है उसके ऊपर लग जाती है और वो उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। और अगर आप सुपर पैरामैग्नेटिक माइक्रो बीड यूज कर रहे हैं तो बीड नीचे, आप मैग्नेट यूज करते हैं तो बीड नीचे आ जाती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये आप ऐसा नहीं करते कि आप इमोबिलाइज नहीं करते आपनी एंटीबॉडी को किसके ऊपर, जो आपकी सॉलिड सरफेस होती है उसके ऊपर इमोबिलाइज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं एंटीबॉडी को आप जो आपका मिक्सचर होता है उसमें फेंक देते हैं, फिर ऊपर बीड लगा बीड फेंकते हैं, ठीक है। तो बीड जिसके ऊपर न्यूट्रल प्रोटीन लगी होती है वो आप जब फेंकते हैं तो उसके ऊपर एंटीबॉडी लग जाती है और एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन लगा होता है और वो इस तरह आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। ये आप देखें ये डायरेक्ट की टाइप है, ये आपकी बीड है, ऊपर न्यूट्रल प्रोटीन लगी हुई है, न्यूट्रल प्रोटीन के ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है, एंटीबॉडी के ऊपर आके आपका एंटीजन यानी कि प्रोटीन लग जाती है और वो इस तरह प्रेसिपिटेट कर जाती है बीड से ज्यादा होने की वजह से। स्टेप्स क्या है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइज द सेल्स एंड प्रिपेयर सैंपल फॉर इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, देन यू हैव टू प्री क्लियर द सैंपल। वो कैसे करेंगे, पहले आप सिंपल बीड अंदर डालेंगे, कहीं बीड के ऊपर तो नहीं वो प्रोटीन्स लग रहे हैं, अगर लग रही है तो उसको साफ करेंगे और नई तरीके से बनाएंगे, या फिर आप बाउंड जो है यानी कि बीड जिसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है वो डालते हैं, कहीं उसके ऊपर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग तो नहीं होगी, अगर हुई है तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नए तरीके से नए सिरे से काम शुरू करते हैं। तो ये भी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोकने के लिए ये करते हैं। फिर आप क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये आपने वो बीड डाली जिसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है, ठीक है, वो डाली इसको, ये डायरेक्ट मेथड होता है, और अगर आप एंटीबॉडी डालते हैं तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। और इनक्यूबेट करते हैं, इनक्यूबेशन के बाद क्या करते हैं आप प्रेसिपिटेट करते हैं, या अगर आप
पैरामैग्नेटिक माइक्रोबीड यूज कर रहे हैं तो मैग्नेट के जरिए, या फिर सेंट्रीफ्यूज के जरिए आप प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन को। फिर उसको वॉश करते हैं वॉशिंग बफर से 6-7 दफा, ठीक है। और आर वॉश में आप अगर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि बीड यूज कर रहे हैं, तो फिर आप मैग्नेट यूज करेंगे। और अगर आप एगरोस बीड माइक्रोबीड यूज कर रहे हैं तो फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। अब जब आपकी प्रोटीन प्यूरिफाई हो गई है, फिर आप उसमें से एक लो पीएच का बफर डालेंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सेपरेट हो जाएगी, या एसडीएस का जो लोडिंग बफर होता है वो डालेंगे, तो आपकी प्रोटीन सेपरेट होगी। फिर आप क्या करेंगे, एनालाइज द कम्प्लेक्स आर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी डन इन टू वेज। एक तो एसडीएस पे सोडियम डोडीसल सल्फेट पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फॉलोड बाय जेल स्क्रीनिंग। और जहाँ पे बैंड होगा तो वो आपको बताएगा कि आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट हो। दूसरी टेक्निक है आपकी एसडीएस पेज के बाद, अगर आप करना चाहते हैं माल्डी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, वो आपको अमीनो एसिड सीक्वेंस भी बता देगी कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड है और उसका मॉलिकुलर वेट क्या है। या फिर आप जो आपकी प्रोटीन सेपरेट हुई है उसको ट्रांसफर करेंगे वेस्टर्न ब्लॉट के ऊपर, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दोबारा देखेंगे, अगर लाइट प्रोड्यूस होती है तो आप कहते हैं कि आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट हो। तो इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है कि द यूज ऑफ एंटीबॉडी विद हाई बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी फॉर द एंटीजन इज क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। कहते हैं जो आपने एंटीबॉडी यूज करनी है उसकी फिनिटी एंटीजन के लिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जो मोस्टली इसके लिए यूज करते हैं एंटीबॉडी, वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं, ताकि उसकी पॉलीजेनिक एंटीजेनिक साइट्स होती हैं वो उसके ऊपर आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाती है। एंटीबॉडी रेज अगेंस्ट द सिंथेटिक पेप्टाइड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑफन वर्क वेल इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग बट मे नॉट बाइंड टू द एंटीजन इन द नेटिव कन्फर्मेशन इन सोल्यूशन। कहते हैं कि जो आप सिंथेटिक पेप्टाइड के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन के लिए तो यूज हो जाती हैं, लेकिन नेटिव प्रोटीन के लिए ये यूज नहीं होती। अगर आप कमर्शियल एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं, व्हेन आर यू आर यूजिंग कमर्शियल एंटीबॉडी, तो आपने वो सिलेक्ट करना है जो जिसकी जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन ज्यादा है, और लिटरेचर में आपने उसको अच्छी तरह पढ़ा है और प्रोडक्ट उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। मोनोक्लोनल अगर एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे जो आप स्कैंडी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं जिससे के ऊपर एंटीजन आके लगना होता है, उसकी कंसंट्रेशन प्राइमरी एंटीबॉडी से ज्यादा होनी चाहिए और एंटीजन की कंसंट्रेशन भी प्राइमरी एंटीबॉडी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्कैंडी एंटीबॉडी जो है प्राइमरी एंटीबॉडी से एंटीजन की कंसंट्रेशन है ज्यादा होनी चाहिए। स्कैंडी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा होनी चाहिए, अगर प्राइमरी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्राइमरी के साथ एंटीजन बाइंड होगा स्कैंडी के साथ, तो इस वजह से यील्ड कम आएगी प्रोटीन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बैकग्राउंड इज लो क्योंकि उसकी एक ही एंटीजेनिक साइट होती है और उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू पॉलीक्लोनल। तो अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं तो उसकी हाई एफिनिटी होनी चाहिए। पॉलीक्लोनिक एंटीबॉडी की अगर एफिनिटी थोड़ी कम भी है पॉलीजेनिक साइट मल्टीवेलेंट बाइंडिंग साइट होने की वजह से, अगर उसकी एफिनिटी कम भी है तब भी उसके ऊपर प्रोटीन लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल मल्टीवेलेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी इफिनिटी लो नहीं होनी चाहिए बल्कि बहुत ज्यादा होनी चाहिए एंटीजन के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, जो अम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक है ये प्रोटीन को एसोलेट करने के लिए और डिटेक्शन के लिए, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए और उसको एसोलेट करने के लिए यूज होती है। दूसरा इसकी क्या एप्लीकेशन है, अगर सैंपल के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए, उसकी यील्ड को ज्यादा करने के लिए हम म्यूनो प्रेसिपिटेशन करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने के लिए, जैसे मैंने कि अल्फा बीटा और गैमा की एग्जांपल दी है,
इसके अलावा ये एडेंड नॉन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है, वेरीफाई प्रोटीन एक्सप्रेशन इन ए स्पेसिफिक टिश्यू, के जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन पा रही है वो वही प्रोटीन पा रही है जो आपकी इंटरेस्ट वाली। दैट्स ऑल। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, मोस्टली आपको पसंद ही आया होगा, तो इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू ऑल।